अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो भाई पीएसएल के ठीक शुरू होने से पहले बहुत ही बड़ा फड्डा क्रिएट हो चुका है, बड़ा धचका लग चुका है और समझे कि भाई ग्लेडिएटर ने खुद ही ये खतरा मोल लिया है। लेकिन बड़े प्रो प्लेयर्स जो हैं वो आज एक्टिव हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर लंदर के मुकाबले से मेले का आगाज होने वाला है। लेकिन जनाब बड़ा धचका तो है, या हम ये कह सकते हैं कि ग्लेडिएटर ने खुद जो पांव है वो कुल्हाड़ी पे मारे हैं या कुल्हाड़ी पांव पे मारी है, जो भी आप समझे। लेकिन एक बार गलती होती है तो समझ में आता है, लेकिन अगर दूसरी मर्तबा भी एक ब्रांड के पीछे, एक बड़े नाम के पीछे आप दोबारा अपनी लीग का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो फिर तो सारी बात समझ से बाहर आ रही है, जो रियलिटी है। तो वनिंदु हसरंगा को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर एनओसी जारी नहीं की है। लेकिन जे भी आपके साथ यहां पर क्लियर करता जाऊं कि वनिंदु हसरंगा का मुतबादल है उमर अमीन। जी हां, उमर अमीन अपनी खिदमत सर अंजाम देगा ग्लेडिएटर के लिए। लेकिन वनिंदु हसरंगा क्यों नहीं आ रहा? शर्म आनी चाहिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को। पिछली मरतबा भी वनिंदु हसरंगा को उन्होंने एनओसी अलाउ नहीं की थी और इस मरतबा भी उन्होंने एनओसी अलाउ नहीं की है। हमारे किंग बाबर आजम हो गए, फखर जमान हो गए, हारिस रऊफ हो गए, ये सारे उधर लंकर प्रीमियर लीग में जाकर खेलते हैं। लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी अलाउ नहीं की है और ग्लेडिएटर को एक और धचका लगा है। पिछली मरतबा भी ग्लेडिएटर ने हसरंगा को पिक किया, इस मरतबा भी पिक किया, लेकिन एनओसी का फड्डा फिर वही है। मेरे हिसाब से तो आप इनको सबक सीख जाना चाहिए और किसी और की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा जनाब आज बड़े जो स्पेशली प्रो प्लेयर्स हैं वो एक्टिव है। राशि बंडे ड्यूसन अवेलेबल है, सबको पता है खेलेंगे। एलेक्स हेल्स है, कॉलन मनरो है और टाइमल मिल्स है। तो यानी कि जैम पैक आज होने वाला है और बेहतरीन जो प्लेयर्स हैं फॉरन वो अवेलेबल है। इसके अलावा फॉक्स जो है वो सबको पता है ज्वाइन कर चुका है इस्लामाबाद यूनाइटेड को और ये भी बड़े इंटरेस्टिंग प्लेयर है। लेट्स सी, देखते हैं को आज चांस दिया जाता है या नहीं। बहरहाल आज मेले का आगाज होने वाला है, रात 8 बजे जब मुकाबला शुरू होगा तो एक लेवल एक हाइप तो बनेगी। लेकिन सब इंतजार कर रहे हैं पहले मार के गए, लेकिन उससे पहले ओपनिंग सेरेमनी के लिए गेट इस वक्त स्पेशली जो गेट्स वगैरह ओपन हो चुके हैं। लेकिन ग्लेडिएटर को ये बहुत ही यानी कि घटिया तरीन धचका लगा है। अपडेट से चलेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे।